गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बिजनेस बजटिंग के अंदर टाइप्स ऑफ बजट का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर अपना फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन मास्टर बजट है ना, मटेरियल बजट, इससे रिलेटेड सेल्स बजट बेटा ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट किए थे लास्ट की क्लासेस के अंदर। अपन आज इसका जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बजट है वो ले रहे हैं इसके अंदर लेबर बजट। लेबर बजट बेटा मटेरियल बजट के अकॉर्डिंग ही है, जैसे अलग अलग मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है किसी प्रोडक्शन के लिए, वैसे लेबर भी उसकी अलग अलग टाइप होती है, जैसे स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड इस प्रकार के लेबर है ना। तो इसके अंदर जो बजट है वो लेबर का बजट है वो सेम उसी प्रोसेस से तैयार होता है जिस प्रकार से अपन मटेरियल बजट प्रिपेयर करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर नेक्स्ट कह रहा है अपने को प्रिपेयर ए लेबर बजट फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए बनाना अपने को फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ पंकज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अंदर देखिए सबसे पहले दे रखा है इसमें प्रोडक्शन एस्टिमेट दे रखा है ए बी सी के अंदर। ए का जो यूनिट्स है वो 12,000 है, बी की यूनिट है वो 10,000 है और सी की यूनिट है वो 15,000 है। ये प्रोडक्शन कर रही है एक फैक्ट्री के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा, जिसके अंदर तीन प्रकार के प्रोडक्ट है ए बी और सी। उसके बाद ही दे रखा है इसके अंदर काइंड ऑफ लेबरर्स के अंदर प्रोडक्ट ए बी और सी के लिए बता रहे हैं, स्किल्ड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। सेम क्लासिफिकेशन वो ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे लेबर का टाइप है वो इसी टाइप में हो सकते हैं। इसके अंदर दे रखा है बेटा जो प्रोडक्ट ए है उसके अंदर जो स्किल्ड लेबरर्स है वो लेते हैं 2 आवर्स, जो सेमी स्किल्ड है उसके हैं 3 आवर्स, उसके बाद में जो अनस्किल्ड है उसके दे रखे 4 आवर्स, ठीक है। ऐसे बेटा बी के अंदर 3 स्किल्ड के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए फिर 3 है और अनस्किल्ड के लिए दे रखे 5 आवर्स का, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट सी है उसके लिए अलग अलग है 3, 4, 3, यानी 3 स्किल के लिए, 4 सेमी स्किल के लिए और 3 है वो अनस्किल्ड के लिए। लेबर रेट है वो स्किल्ड की तो दे रखी है 5, अनस्किल्ड की दे रखी है 4 रुपीज़ पर आवर और उसके बाद में सेमी अनस्किल्ड स्किल्ड की बेटा 5 रुपीज़ पर आवर है और सेमी स्किल्ड की 4 रुपीज़ पर आवर है और उसके बाद लास्ट है अनस्किल्ड उसकी 3 रुपये पर आवर है, ठीक है। अब इससे अपने को क्या बनाना है, इसका जो लेबर बजट है वो तैयार करना है। इसके अंदर सेम देखिए वही टाइप आ गया जिसके अंदर अपने लेबर बजट में किया था, मटेरियल बजट में किया था, जिसके अंदर प्रोडक्शन की यूनिट अपने को दी होती है और मटेरियल वो अलग अलग टाइप के अंदर उसमें लगते हैं, उसी टाइप से अपन इसको भी बड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अपन बजट बना लें, लेबर बजट का एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना अपने को। ये बेटा देखिए अपना लेबर बजट है उसका फॉर्मेट है, फर्स्ट कॉलम अपन ने इसका पर्टिकुलर इसका बनाया, उसके बाद में 3 टाइप्स लेबर है जिसकी स्किल सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। इसके अंदर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट टोटल आवर्स है वो कितने लगेंगे, ऐसे जो आवर्स है वो रिक्वायर्ड पर यूनिट टोटल, ऐसे लास्ट के अंदर सेमी स्किल्ड के अंदर पर यूनिट कितने आवर्स लगेंगे और टोटल आवर्स है वो कितने अपने जरूरी है इसमें। अब देखिए सबसे पहले जो अपना पर्टिकुलर वाला कॉलम है इसके अंदर लिखेंगे अपन प्रोडक्ट ए बी और सी, इनकी जितनी यूनिट्स अपन ने बनाई है वो यूनिट्स लिखेंगे। देखिए यूनिट्स में दे रखा है 12,000, 10,000 और 15,000। तो इसके अंदर तो अपन लिखेंगे 12,000, इसमें 10,000 और इसके अंदर अपना लास्ट वाले में दे रखे हैं कितना यूनिट्स है 15,000 यूनिट्स है वो दे रखे थे, यहाँ लिखेंगे 15,000, ठीक है। ये अपना फर्स्ट काम हो गया। अब इसके बाद में अपने को जो पर यूनिट जो आवर्स लगते हैं वो देखने बड़ा है। देखिए इसके अंदर जो अपना प्रोडक्ट ए है उसके अंदर जो स्किल्ड है उसकी दे रखी है 2 और बी के अंदर दे रखी है 3 और सी के अंदर भी दे रखी है 3, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी लगती है, इसमें 2 आवर्स लगते हैं, इसमें 3 और इसमें 3 आवर्स, ये पर यूनिट है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर बेटा रो वाइज दे रखा है, इसको अपने को कॉलम वाइज लिखना है, ये ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद जो सेमी स्किल्ड है उसका दे रखा है आपके 3, 3 और 4 आवर्स है वो लगते हैं, इसमें भी 3 लिखेंगे, इसमें भी 3 और इसमें 4 आवर्स लगते हैं। लास्ट इसके अंदर अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड के अंदर है अपना वो है 4, 5 और 3 आवर्स है वो लगते हैं, इसमें 4, 5 और 3,
देखिए ये अपने इसका मेन जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया। अब इसके अंदर अपने को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से अपने टोटल आवर्स आ जाएंगे। इसने यूनिट बनाई थी 12,000, एक यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगते हैं तो 24,000, इसके अंदर आ जाएगा 30,000 और इसके अंदर आ जाएगा 45,000। ये टोटल जो आवर्स है वो अपने देखेंगे आप इसका टोटल, इसका रिक्वायरमेंट भी बड़ा करने का इसको रहने देता हूँ। ये आ जाएगा आपका 99,000 आवर्स है वो अपने लगे। जैसे इसका सेम प्रोसेस है ये करना नेक्स्ट वाला। इसके अंदर देखिए फर्स्ट की है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 36,000, 10,000 ये हो जाएगा 30,000 और लास्ट इसमें 15,000 है इसको करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 60,000। इसके अंदर आवर्स रिक्वायर्ड है पर यूनिट उसका टोटल नहीं करना है, इसमें भी सेम इसी का टोटल करना है सेकंड फॉर्मूला तो टोटल आवर्स है। तो ये 90,120,600 टोटल आवर्स है वो रिक्वायर्ड। उसके बाद में लास्ट है इसके अंदर देखिए 4, 5 और 3 है तो फर्स्ट का 48,000 आवर, सेकंड का 50,000, थर्ड का 45,000 और ये आ रहा है कितना 1,43,000 आवर्स है वो बेटा इसका रिक्वायरमेंट। तो ये तो देखिए इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर बन गया अपना जिसके अंदर जो टोटल आवर्स हैं वो कैलकुलेट करने थे। फर्स्ट कार है 99, दूसरे कार है 1,26,000 और थर्ड कार है 1,43,000। ये तो अपने टोटल आवर्स आ गए। अब इसमें देखिए आपको कॉस्ट भी दे रखी है तो अपन अगर इसको टोटल जो आवर्स है उसको यदि कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो इसी स्थिति के अंदर बड़ा उसकी टोटल जो लेबर कॉस्ट है वो अपने को पता लग जाएगा। तो देखिए फर्स्ट के अंदर इसकी जो स्किल्ड लेबरर्स है ना उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो 5 है, सेमी स्किल्ड है उसकी 4 है और अनस्किल्ड है उसकी 3। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपने यहां लिखेंगे कॉस्ट पर आवर, इसकी कितनी है, इसकी है 5, इसकी है अपनी ₹4 और लास्ट वाले की है वो है 3। यहां जाएगा अपना टोटल लेबर ठीक तो 4,95,000। फर्स्ट की कितनी कॉस्ट आ गई 4,95,000, सेकंड बड़ा 1,26,000 है इसको भी अपने को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 1,26,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आएगा आपका 5,04,000। उसके बाद में लास्ट है इसकी जो लेबर कॉस्ट है ये कितनी है, ₹3 दे रखी है, ₹3 पर आवर्स है तो 1,43,000 है इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे इतने से 3 से तो इसका जो लेबर कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है अपना 4,29,000। ठीक है ये आपका देखिए लेबर बजट का एक फॉर्मेट है इसके अकॉर्डिंग ही अपन ने ये तो बड़ा अपने जो लेबर बजट बनाया है वो बनाया अकॉर्डिंग टू लेबर वाइज ठीक है और उसके बाद इसको कॉस्ट से भी अपन कैलकुलेट कर दिया। यदि अगर अपने को इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट देखनी हो तो भी अपन बता सकते हैं कि अपने को टोटल आवर्स का रिक्वायरमेंट पता लग गया कि प्रोडक्ट ए के लिए कितना है, प्रोडक्ट बी के लिए कितना और प्रोडक्ट सी के लिए कितना है तो इसकी प्रोडक्ट वाइज भी अपन कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी। तो
तो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसका एक सेकंड फॉर्मेट है वो बनाते हैं, जिसके अंदर इसकी जो कॉस्ट है वो अपनी क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट वाइज आ जाएगी। प्रोडक्ट वाइज कितनी कॉस्ट, इसके अंदर बड़ा प्रोडक्ट वाइज करने के लिए इसका प्रोडक्ट है वो देखिए अपन ने पहले साइड में लिखते हैं कि ऊपर कॉलम की तरफ आ जाएंगे, और जो अपना लेबर का टाइप है जिसके अंदर स्किल्ड सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, ये बड़ा अपना साइड है इसको। अब देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट ए का अपन देखते हैं, प्रोडक्ट ए ये वाला है, इसके अंदर स्किल्ड की कितने आवर्स 24। अब स्किल्ड की जो रेट है वो है 5 rupees। उसके बाद में अगर अपन सेमी स्किल्ड देखें इसके टोटल कितने आवर्स यूज हुए 36,000, इसकी रेट है वो ₹4 दे रखी है समय, ठीक है। उसके बाद जो सेमी स्किल्ड हो गया, अनस्किल्ड की कितने आवर्स लगते हैं इसमें 48,000, और उसका जो रेट है वो है 3। इससे इसका टोटल करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट वाइज बना हुआ कॉस्ट है वो अपनी कैलकुलेट हो जाएगी। ये तो अपनी लेबर वाइज कॉस्ट आई है, और नीचे वाला अगर फॉर्मेट बनाते हैं तो अपनी प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। यदि क्वेश्चन में आपको दे रखा हो कि प्रोडक्ट वाइज कैलकुलेट करनी है तब अपने को ये सेकेंड फॉर्मेट भी इसका प्रिपेयर करना पड़ेगा। यदि ओनली इतना कह रहे हैं कि आपको लेबर बजट प्रिपेयर करना है तो फिर ये नीचे वाला फॉर्मेट अपने को बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला जो फॉर्मेट है उससे बड़ा अपना काम चल सकता है इसके अंदर, ठीक है। कई बार यदि एग्जाम के अंदर मान लीजिए इसको थोड़ा सा है ना प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन बजट के पार्ट भी इसमें लेना चाहिए कि प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट बताइए, तो उस स्थिति में बड़ा ये अपने को दोनों अपने को आने चाहिए, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए जो आवर्स अपने कैलकुलेट किए, रेट अपने को पता है उस समय दे रखी है, उस रेट से यदि अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपनी जो प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट है वो भी आ जाएगी। तो इसमें 24,000 दे रखा है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मतलब 20,000। फिर 36,000 है, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 144,000 है। फिर 48,000 है, 48,000 को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं कितने से 3 से, तो इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी, ये भी बड़ा 144,000 आएगी, ठीक है। तो इसके बाद में अब अपन आते हैं प्रोडक्ट बी के अंदर, प्रोडक्ट बी ये वाला, इसके अंदर जो अपना स्किल्ड लेबरर्स हैं उसके अंदर 30,000 टोटल आवर्स पे, सेकेंड इसके अंदर सेम स्किल्ड है उसमें भी 30,000 और अनस्किल्ड है उसके अंदर 50,000 है वो आवर्स अपने लगे इसमें। इसकी कॉस्ट है वो 5 है, इसकी कॉस्ट है 4 है, इसकी कॉस्ट है कितनी 3। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो इसका बड़ा प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट देखें, प्रोडक्ट बी के लिए जो स्किल्ड है उसकी तो लग रही है 1,50,000, 1,50,000। सेकेंड वाला इसके अंदर जो सेमी स्किल्ड है उसकी जो कॉस्ट है वो आ रही है कितनी 1,20,000, और जो अनस्किल्ड है उसकी कॉस्ट आ रही है कितनी 1,50,000। ये अपनी प्रोडक्ट बी की जो कॉस्ट है वो अपने कैलकुलेट। अब इसके अंदर बड़ा देखो अपन इसका टोटल इसका भी कर सकते हैं, इसका टोटल आ रहा है कितना 1,08,000। इसका रेट का टोटल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इसका जो टोटल जो कॉस्ट लगी वो अपना 1,20,000 प्लस 1,44,000 प्लस 1,44,000, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 4,08,000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर 60,01,10,000 इसकी रेट मिल ये आ जाएगा 3,20,000, ये बड़ा इसकी लास्ट वाली इसकी सेकेंडरी बी की प्रोडक्ट कॉस्ट। अब सेम अपने को सी में वही प्रोसेस करनी है, सी के अंदर देखिए स्किल्ड है वो 45,000 आवर्स लगते हैं, उसके बाद में
सेमी स्किल है उसके 60,000 आवर्स, और इसके लास्ट वाले में इसके भी 45,000 आवर्स है वो यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट है 45,000 आवर्स, 60,000 और 45,000, ये अपने को दे रखे हैं। इसकी रेट पता ही अपने को कि स्किल लेवल 5 रुपीज, सेमी स्किल लेवल 4 रुपीज और स्किल लेवल 3 रुपीज। इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बड़े इसको, तो फर्स्ट है 45,000 को 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा अपना 25,000। ठीक है, सेकेंड है 60,000 है इसको 4 से तो ये आएगा कितना 2,40,000 और ये आ जाएगा 1,30,000। तो 90,150,000 टोटल आवर्स। ठीक है, इसका टोटल करनी जरूरत नहीं। और लास्ट का बेटा इसका टोटल आएगा अपना वो है 2,25,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,35,000, तो इसका टोटल आ रहा है कितना 6,00,000। हो गया, ये अपना लेबर बजट का क्वेश्चन है बेटा, जिसके अंदर अपने को प्रोडक्ट वाइज और इसको लेबर वाइज अपने प्रिपेयर किया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना दे रखे इसके अंदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोडक्ट एक्टिविटी ऑफ आकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द ईयर 2013-14। यानी आकाश इंडस्ट्रीज से रिलेटेड अपने को लेबर बजट प्रिपेयर करना है। प्रोडक्शन एस्टिमेट सेम दे रखा है एक्स वाई जेड के अंदर, एक्स की 5,000 यूनिट, वाई की 6,000 यूनिट और जेड की 4,000 यूनिट्स है वो इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। बजट के लिए लेबर कॉस्ट बता रहे हैं कि जो लेबर कॉस्ट है वो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल टू टाइप्स ऑफ लेबर है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 25,000 कॉस्ट है वो एक्स की, 25,000, 30,000 वाई की और 20,000 है वो कॉस्ट है किसकी, जेड की। तो देखिए ये 25,000 जो दे रखे हैं ना अपने को, इसको 25,000 को अपन जैसे एक्स है उसकी 5,000 यूनिट बना रहे हैं ना, तो जिसकी 5,000 डिवाइड करेंगे तो इसकी कॉस्ट आ रही है 5। सेकंड देखिए वाई है उसके अंदर अपनी नॉन टेक्निकल है उसकी कॉस्ट है 30,000। अगर 30,000 को अपन डिवाइड करते इसका प्रोडक्शन है 6,000 से तो ये भी 5 रुपीज आ रही है, इसी जेड की भी 5 रुपीज ही आई। यानी इसकी जो नॉन टेक्निकल जो है इसका लेबरर है उसकी कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज पर यूनिट है पर आवर से। टेक्निकल है उसकी बड़ा 50,000 है, तो 50,000 का मतलब हो गया इसकी 50,000 यदि देखें तो 50,000 एक्स की कितनी है 5,000 देगा तो कितनी आएगी 10 रुपीज आएगी, 10 रुपये। ठीक है, तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग अगर इसको अपन देखें तो इसके अंदर वाई है उसकी 60,000 है, 60,000 को 6,000 से मल्टी डिवाइड किया तो ये भी 10 आ रहा है और इसका जेड का भी 10 आएगा क्योंकि इसमें 4,000 यूनिट है, 40,000 इसकी टोटल कॉस्ट है, तो 40,000 को यदि 4,000 से डिवाइड करें तो रुपीज 10 ही आती है। उसके बाद जो लास्ट दे रखे इसके अंदर द वर्क मैनेजर एंटीसिपेट डेट द फॉलोइंग चेंजेस फॉर द ईयर 2014-15 के लिए, ये अपने चेंजेस है वो अपने को बता रखे हैं। रेट ऑफ टेक्निकल जो लेबरर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएगी रुपीज 10% से, यानी इंक्रीज बाय 10% रुपीज 10 नहीं है इसके अंदर, तो इंक्रीज बाय 10% का मतलब है अपनी कॉस्ट कितनी आ रही है 10 रुपये, इसको 10% से यदि इंक्रीज करते हैं तो ये कॉस्ट है वो 10 टू इंक्रीज होके 11 हो जाएगी यानी 11 रुपये हो जाएगी। द रेट ऑफ नॉन टेक्निकल जो लेबरर्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं बाय 10%, यानी अब इसकी जो कॉस्ट अपने कैलकुलेट की थी वो अपन देखिए कैलकुलेट की थी यहाँ पे वो कितनी कॉस्ट है 5, यदि 5 में से इसमें तो प्लस 10% कर ले तो हो जाएगी 11 और इसमें बड़ा माइनस 10% करना है ये आ जाएगी 4.5, यानी कितने रुपये हो जाएगी 4.5 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये दो चेंजेस अपने को इसमें करने। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रोडक्शन टू बी इंक्रीज्ड बाय 20% ओवर द ईयर 2013-14, जो अपने फर्स्ट टाइम के अंदर जैसे अभी ये दे रखे इसके अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को 20% से इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट एक्स है उसकी 5,000 यूनिट बना रहे हैं तो 20% इंक्रीज करें तो इसकी 6,000 यूनिट्स हो जाएगी। प्रोडक्ट वाई है उसकी 6,000 यूनिट्स है 20% से इंक्रीज करें तो इसकी
7200 यूनिट्स हो जाएगी। प्रोडक्ट जेड है उसकी 4000 यूनिट्स है, 20% से यदि इंक्रीज करें तो इसकी 4800 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं लास्ट, ये प्रिपेयर करना अपने को लेबर कॉस्ट बजट बनाना है फॉर द ईयर 2014 एंड 15। सेम बेटा इसी टाइप से बनेगा ये। देखिए सबसे पहले इसके अंदर अपन प्रोडक्ट लिख देंगे, फिर यहाँ पे बनेगा अपना टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर जो भी अपनी इसकी कॉस्ट दे रखी है वो प्लस इसके अंदर उससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा अपने को, सबसे पहले कि जो इसकी यूनिट फर्स्ट है उसकी यूनिट कितनी बनेगी, जो प्रोडक्ट फर्स्ट एक्स है उसकी यूनिट बनेगी 6000। इसकी कॉस्ट कर लेनी अपने को नॉन टेक्निकल के अंदर 4.5, ठीक है। तो यहाँ पे रेट लिखनी है, यहाँ पे आवर्स लिखवाएंगे, रेट और टोटल। फिर उसके बाद में सेकंड कॉलम ये बनेगा टेक्निकल का, इसमें रेट आ जाएगी आपकी 10 10, सब में 10 ही है, इसे मल्टीप्लाई करोगे इसका अमाउंट आ जाएगा, और लास्ट में इसका टोटल कर देना तो आपका ये लेबर बजट है वो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना बेटा, कि इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अपने को सबसे पहला कॉलम है वो प्रोडक्ट यानी पर्टिकुलर से, तो प्रोडक्ट एक्स वाई जेड लिख देंगे अपन, जैसे आपको बताते हैं थोड़ा सा। देखिए बेटा इस फॉर्मेट में यूज करना है, जैसे प्रोडक्ट अपना एक्स वाई जेड, ठीक है। यूनिट्स अपने अभी कैलकुलेट की थी कि प्रेजेंट जो यूनिट्स दे रखी है ना उसको 20% से इंक्रीज करना है, जैसे प्रोडक्ट एक्स है उसकी 5000 है तो 6000 हो जाएगी, प्रोडक्ट वाई है उसकी 6000 है तो 7200 हो जाएगी, ठीक है। लास्ट इसमें 4000 दे रखी है तो ये आ जाएगी 4800 इसका टोटल। उसके बाद नॉन टेक्निकल के लिए बता रहा था कि इसकी जो कॉस्ट है वो अपने कितने परसेंट से डिक्रीज करनी है, 10% से, जो अभी मैंने बताई थी कि 4.5 हो जाएगी, इसकी 4.5, इसकी भी 4.5 और इसकी भी 4.5। इससे बड़ा अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 6000 है इसको मल्टीप्लाई किया 4.5 से तो ये आ गया 27000। फिर सेकेंड है इसमें 7200 है, इसको भी 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है अपना कितना 32400, ठीक है। लास्ट है 4800 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 4.5 से, और जब 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21600। ये देखिए इसकी नॉन टेक्निकल का काम कंप्लीट है, लास्ट इसका टोटल करना है तो टोटल करेंगे तो इसका 27000 प्लस 32400 प्लस 21600 तो इसका टोटल आएगा कितना 81000, ठीक है। उसके बाद बेटा टेक्निकल है उसकी लेबर कॉस्ट है वो 10 दे रखी है, उसको इंक्रीज करना है 1% और 10% से तो 1 इंक्रीज हो जाएगा, इसकी बताई थी अभी आपको 11 इंक्रीज है। तो फर्स्ट अपना 6000 है, इसका तो आ जाएगा सिंपल है 66000। 7200 है इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72000 प्लस 79200 इसका दे रखा अपने को 10% से इंक्रीज हो जाएगा 79000। लास्ट में बड़ा इसमें 4800 है, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा कितना 52800। ये इसका लेबर का कॉस्ट हो गया, इसका टोटल कर देखते हैं 66,79,200 प्लस से लास्ट इसके अंदर अपना वो है 52,800 तो ये आएगा 1,98,000। ये बेटा अपना लेबर बजट का नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कंप्लीट किया।
इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ओवरहेड से रिलेटेड है, ओवरहेड बजट का क्वेश्चन है, वो बेटा अपन कल की क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर जो लेबर बजट है वो भी अपना कंप्लीट है, यानी अपने इसके अंदर नेक्स्ट जो बजट है वो एक दो ही बजट और बचे हैं, एक तो ओवरहेड्स बजट और एक इसके अंदर अपना फाइनेंशियल बजट यानी फाइनेंस बजट जिसको अपन बोल सकते हैं, वो दो बजट है वो अपने को कंप्लीट करने हैं। लेकिन एग्जाम पर्पज से अगर देखें कि हो सकता है कि जैसे अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते बेटा उसमें छोटे बजट होते थे, ये पहले ये 16 मार्क्स में नहीं आते थे सिंपल, इसलिए अब उसमें कुछ टेक्निकल कुछ लॉजिकल पॉइंट जरूर आते हैं इन क्वेश्चनों में भी, तो ये 8 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए प्रत्येक टाइप के बजट है उसको अपन देख रहे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन यदि आप 20 मार्क्स के लिए देखो, यदि इंपॉर्टेंट बजट के अंदर देखें तो उसमें फ्लेक्सिबल बजट ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबल मास्टर बजट प्रोडक्शन बजट, ये तीन बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये अपन जितने भी टाइप्स ऑफ बजट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा इसके जो एग्जांपल्स वगैरह बेटा वो भी इसके अंदर कैलकुलेट किया करो, देखा करो इसके अंदर कोई जैसे एग्जांपल बढ़िया एग्जांपल है वो भी अपने को कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल्स में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो आपको फॉर्मेट है प्रोसेस है वो सारी अपनी यहाँ पे क्लासेस के अंदर ले रहे हैं, इसके अंदर देख रहे हैं इसके अंदर, उसके अलावा जो एग्जांपल है वो भी उसी टाइप से अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये अपना लेबर बजट है बड़ा कंप्लीट है, नेक्स्ट इसकी कल नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका जो नेक्स्ट बजट है वो अपन कंप्लीट करें आज के लिए, ओके।